हेलो दोस्तों, मैं आज आपको टॉप 10 एक्सेल फॉर्मूलास के बारे में बताऊंगा ताकि आप बेसिक्स से लेके एडवांस तक बहुत सारे फंक्शंस कर पाए। तो हमारे सामने कुछ डेटा है, हम उसका यूज करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे पहला फॉर्मूला हम एक शॉर्टकट की है। देखिए, बाकी सबका सरनेम लिखा हुआ है, बस रंजीत, एक शाहरुख, सलमान और दिनेश, इनका सरनेम नहीं लिखा है। सपोज इनका सरनेम कुमार हो तो हम कैसे लिखेंगे? एक साथ अगर हमें सब सेलों में लिखना है तो पहले इसको किया, फिर कंट्रोल दबाया, उन सारी सेल पे जिसपे हमें सबका नाम एक साथ करना है, या किसी भी डेटा में जहाँ पे हमें हर जगह अलग अलग जगह पे डिसकंटिन्यूअस है उस पर भी हमें सेम डेटा को लिखना है, तो उस डेटा का पहले सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद वो डेटा लिखेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे अभी, उसके बाद कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे। देखिए, सारी जगह अपने आप कुमार लिख के आ गया। पहली ट्रिक या पहला शॉर्टकट की ये थी। दूसरा शॉर्टकट की है कि हमें यहाँ पे लैक्स में रुपीज लिखने हैं, तो वैसे तो अगर आप किसी डेटा पे काम कर रहे हैं तो ये पहले लिखा होगा, लेकिन कभी आपको रैंडम नंबर जनरेट करने हैं तो उसके लिए हम इस टाइप से यूज करेंगे, रैंड बिटवीन। कभी भी आप कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हैं तो रैंड बिटवीन, या कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हैं उसके उस पॉइंट पे जाके टैब का बटन दबाएंगे तो ये अपने आप पूरा लिख के आ जाएगा। हम यूज करेंगे इसमें टॉप और बॉटम लिमिट डालनी है। इसमें पहले बॉटम लिमिट डालेंगे, बॉटम लिमिट हमारी एक कॉमा। अब टॉप लिमिट पूछ रहा है, टॉप लिमिट इसमें हमारी है सपोज 5, तो हम इसको बंद कर देंगे और इस टाइप से कर देंगे। लेकिन आप देखिए, ऐसा करने के बाद सारे जगह पे नहीं आए क्योंकि हमने केवल एंटर दबाया। अगर हमें सारे जगह पे एक साथ करना है यही चीज, तो देखिए रैंड इस पे नीचे आए, बिटवीन पे टैब दबाया, बॉटम 1 कॉमा टॉप 5 ब्रैकेट 1। अभी एंटर नहीं दबाएंगे, अभी हम दबाएंगे कंट्रोल एंड एंटर, ये खुद से ही सारी उस जगह पे डेटा फिल कर लेगा। अब ये है, अब जब भी आप इस पे काम करेंगे तो ये डेटा चेंज होता रहेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक फंक्शन लगा हुआ है रेंट बिटवीन 1 एंड 2 5। प्रॉब्लम ये है कि आप अगर ये चाहते हैं कि ये डेटा चेंज ना हो तो इसमें कंट्रोल सी करेंगे पहले, फिर कंट्रोल ऑल्ट एंड वी एक साथ दबाएंगे, कंट्रोल ऑल्ट एंड वी, तो ये एक आता है हमारे सामने। डाउन एरो की दबा के हम वैल्यूज के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, ये अब फंक्शन हट गया है, अब इसमें वैल्यूज आ चुकी हैं। देखिए, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं बेसिक फंक्शन। अगर हमें सम निकालना है, इक्वल सम टैब, और ये सभी को सिलेक्ट कर लेंगे हम एक साथ। एवरेज करना होता है, एवरेज टैब, फिर से वही नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, ये भी हो गया, एवरेज 3 हो गया। मैक्सिमम इसमें ढूंढना होगा तो मैक्स टैब, एंटर। मिन के लिए मिन टैब सेलेक्ट करेंगे रेंज को, एंटर, तो यह मैक्स मिन सारा कुछ आ गया है इसमें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि एक इफ फंक्शन का यूज करेंगे। हम देखेंगे कि सपोज हमारा एक लिमिट है 2, अगर कोई आदमी के पास 2 या 2 लाख से रुपए से कम है तो वो पुअर में आएगा, और उससे ज्यादा है तो वो नॉट पुअर में आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेटस, एक कि आदमी का स्टेटस क्या है। सपोज
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ फंक्शन यूज करेंगे, टैब दबाएंगे, इफ ये लॉजिक टेस्ट है, अगर ये ट्रू होता है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो लॉजिक टेस्ट लगाएंगे, इफ इट इज बिलो 3 या इट इज ग्रेटर देन 2, इफ इट इज ग्रेटर देन 2 तो अगर ये चीज सही होती है तो नॉट पुअर। तो अगर हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना पड़ेगा, उसमें हमें लिखना पड़ेगा नॉट पुअर, फिर से वो उसको बंद करना पड़ेगा कॉमा, अगर ये फॉल्स होता है तो आपको लिखना पड़ेगा पुअर। हमें इसमें देखिए पुअर के लिए भी हमें इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम स्ट्रिंग कर रहे हैं यूज तो हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूज करेंगे। अगर हम स्ट्रिंग यूज नहीं कर रहे, अगर हमारा जो एंड रिजल्ट है वो स्ट्रिंग में नहीं आया, एक सेंटेंस में नहीं आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली एज अ सेल नंबर से भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग की तरह यूज करेंगे। ये नॉट पुअर है। अभी देखिए किसी भी सेल में चार कितने तरह के एरोस आते हैं, इधर देखिए, इधर एरो जो आ रहा है उसमें इसमें जो प्लस आ रहा है वो एरोस लेके है, बीच में आ रहा है उसमें मोटा सा प्लस है, और जो इस साइड आ रहा है वो ब्लैक और विदाउट एरोस है। तो इस वाले कॉर्नर पे जो बॉटम राइट कॉर्नर है इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये खुद से सारा सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अभी देखिए कि अब इसके बाद हम आते हैं अगले फंक्शन पे कि सपोज हमें जुबैर का, ये दूसरी एक लिस्ट है, ये जो हमारा है वो दूसरा टेबल है, इसमें हमें अगर चाहिए कि जुबैर का हमको कितना लाख रुपए उसके पास मनी है ये निकालना है, तो इतनी बड़ी लिस्ट में ढूंढना, ये तो छोटी लिस्ट है, सपोज ये बड़ी लिस्ट होती तो ढूंढना मुश्किल होता, तो उसके लिए यूज करेंगे वी लुकअप। वी लुकअप जैसे टाइप करेंगे तो ये वी लुकअप आने लगेगा और हम तुरंत ही टैब बटन दबाएंगे, ये खुद से लिख देगा। इसके बाद लुकअप वैल्यूज क्या है, हमें ढूंढना क्या है, जुबैर को ढूंढना है दूसरी लिस्ट में, तो जुबैर करना है किस लिस्ट में ढूंढना है, टेबल एरे चाहिए हमें। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जब भी ये चीज सिलेक्ट करें टेबल एरे, तो उसमें पहला जो टेबल का कंटेंट है वो हमेशा नेम होना चाहिए, मतलब वो हमेशा उस टेबल के पहले वाले कॉलम में वो जुबैर या फिर वो जो जिसको हम लुकअप वैल्यू है जो हमारी उसको हम सर्च कर रहे हैं वो होना चाहिए। तो सपोज इसमें है हमारा जुबैर कहीं है, हमको नहीं पता कहाँ पे है, यहाँ पे हमने पहले नंबर पे किया, उसके बाद इसको ऐसे ऊपर वाले ऑप्शन करते हैं इधर तक लाएंगे, क्योंकि हमारे चौथे नंबर पे मनी इन लैक्स है, ये देखिए 4C दिख रहा है, इसमें चौथे नंबर पे है कॉमा 4 कॉमा, अब ये पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स, हम जीरो करेंगे ये ट्रू वैल्यू हमारे बताएगा, सॉरी फॉल्स वैल्यू बताएगा, फॉल्स वैल्यू मतलब एग्जैक्ट मैच, जीरो में जुबैर उसके पास 5 लाख रुपए हैं। ऐसे ही हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ये देखिए राजू का, अनम का, या किसी और का भी नाम डालते हैं और नीचे हम ड्रैग करेंगे तो ये सारे का बता देगा। सपोज सिटीज में हमारे पास कानपुर है, आगरा है और चेन्नई है, सपोज हमको ये देखना है कि कितने कानपुर के लोग हैं इस लिस्ट में, कितने आगरा के लोग हैं और कितने चेन्नई के लोग हैं। इसमें काउंट डाल देते हैं, इसमें मनी डाल देते हैं कि उनके पास कितनी कितनी मनी है, काउंट डालेंगे
इसमें डालेंगे काउंट इफ, देख रहे हैं आप ये नीचे काउंट इफ है, टैब दबाएंगे, हमें रेंज सिलेक्ट करनी है, तो हमारी रेंज ये है, ये देखिए ये रेंज है, इसमें से हमें करना है क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है, ये देखिए ये क्राइटेरिया है, बंद करेंगे ऐसे कर देंगे, चार हमारे पास कानपुर के लोग हैं, बाकी पांच आगरा, चार चेन्नई, इनके पास मनी कितना कितना है, इसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ, ये देखिए दूसरे नंबर पे आ गया, टैब दबाएंगे, इसकी रेंज सिलेक्ट करनी है, रेंज भी एकदम सेम तरीका है जो काउंट इफ में किया था, इसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा वही कानपुर, सम रेंज इसमें एक्स्ट्रा है जो हमें सिलेक्ट करना है, सम हमें किस चीज का चाहिए, मनी का, तो ये इधर से हो गया। अब थोड़ा ध्यान रखिए कि जितना बड़ा कॉलम ये है, जितना हमने उसमें सिलेक्ट किए हैं उतना ही हमें इसमें भी सिलेक्ट करना है सेम, तो उसमें मतलब जो कॉलम हाइट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, ये करके ऐसा करेंगे हम एंटर, एंटर के बाद इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे, देखिए कानपुर के जितने लिस्ट के लोग हैं उनके पास 12 लाख रुपए मनी है, इनके आगरा वालों के पास 13 लाख और चेन्नई के पास 12 लाख, इस टाइप से है। इसके अलावा हम कुछ और कर सकते हैं, सपोज ये जुबैर की जगह पे हमें कुछ और, सारे में से कोई भी नाम हमको ढूंढना है, तो हम एक डेटा पे जाएंगे, एक डेटा वैलिडेशन ट्रैप पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, इस पे करेंगे हम लिस्ट पे, अब ये लिस्ट में पूछ रहा है हमसे सोर्स क्या है, हमारा सोर्स इसमें ये देखिए ये है, ये हमारा सोर्स है, ठीक है ओके, ये देखिए ड्रॉप डाउन आ गई, अभी इसमें नाम जुबैर है, सपोज इसमें हमें शाहरुख का चाहिए होता कि कितने लाख रुपए थे उसके पास, तो आना चाहिए था, अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो भी नाम आता रहे उसी हिसाब से ये वैल्यूज चेंज होती रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना होगा ये H2 करेक्ट, A से D तक वो भी करेक्ट, 4 वो भी करेक्ट, 0 वो भी करेक्ट, तो गलती कहाँ है, अब देखिए सपोज हम इसको ठीक है रंजीत 2, सलमान 2, दिनेश 1, तो इस टाइप से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, जिसका भी ड्रॉप डाउन से, ये हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं नेम और सरनेम, अगर सपोज हमें इनका एक साथ नाम और सरनेम चाहिए होता तो हम क्या करते हैं, देखिए अभी हम इनका फुल नेम देखिए कितना सरल है, आपको हम समझाते हैं, इक्वल दबाएंगे, कॉनकैटिनेट सर्च करना था तो हमने कॉन सी लिखा है, उसने में हमारा सर्च में आ गया, इस पर टैब दबाएंगे, कॉनकैटिनेट लिख गया है, टेक्स्ट 1 कॉमा, अब टेक्स्ट 2 देखिए अगर इन दोनों के बीच हमें बीच में स्पेस चाहिए तो हमें स्पेस देना पड़ेगा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, हमेशा जब भी कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं आप तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है, तो ये हमारा टेक्स्ट था, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, एक स्पेस दिया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, हमें दूसरा टेक्स्ट चूज करना है और इसको बंद कर देंगे, ये देखिए राजेश कपूर एकदम क्लियर कट आ गया, ठीक है। सपोज आपको इसकी लेंथ निकालनी होती, लेंथ निकालनी होती, लेंथ कि क्या लेंथ है इस स्ट्रिंग की, राजेश कपूर की नाम में कितने अक्षर हैं, तो कुछ नहीं फंक्शन सिंपल, लेन टैप ये और एंटर, ये 13 वर्ड्स 13 लेटर्स हैं, सभी का लेन निकाल दिया,
तो ये टॉप 10 फॉर्मलेस थे जो यूज करने हैं, इनका आगे भी हम यूज बताते रहेंगे। जैसे लेंथ और कुछ लेफ्ट राइट फॉर्मलेस हैं, हम बहुत कॉम्प्लेक्स टेबल को कैसे हैंडल करते हैं, हम वी लुकअप के अलावा एच लुकअप लगा सकते हैं, उससे बड़े बड़े टेबल्स पे कैसे डेटा फिल कर सकते हैं, ये भी हम आगे चल के देखेंगे। ये बेसिक्स था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।